धाम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 24 फरवरी को कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों महिलाएं कलश धारण कर चल रही थी। बता दें कि पितृ पर्वत पर 14 फरवरी से जारी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 3 मार्च तक चलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी इस प्रतिमा को देखने के लिए भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ रोजाना आ रही है। सोमवार 12 बजे से एयरपोर्ट रोड स्थित विद्या धाम से पितरेश्वर धाम तक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1,00,000 महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर चली और हनुमान जी का आह्वान किया कि वे पितरेश्वर धाम पर विराजित हों। ऐसा पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में एक कलश यात्रा होगी। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपनी देखरेख में इस भव्य और विशाल आयोजन को निर्देशित कर रही हैं। इस शोभा यात्रा के कार्यक्रम के बारे में विजयवर्गीय ने बताया कि इस विशाल और भक्तिमय शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य विद्या धाम से बाल हनुमान और पूजनीय स्वरूपों को पितरेश्वर धाम तक ले जाना है। इस यात्रा में परम पूज्य संत साध्वी महामंडलेश्वर माँ कनकेश्वरी देवी, राष्ट्रीय संत उत्तम स्वामी, भानपुरा शंकराचार्य जगतगुरु ज्ञानानंद तीर्थ, महामंडलेश्वर चिन्मयानंद महाराज विद्याधाम, महामंडलेश्वर चेतन स्वरूप अखंड धाम, महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज खातीपुरा राम मंदिर, पीलिया खाल मंदिर के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज, महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास महाराज पंचकुया, महामंडलेश्वर दादू महाराज और महामंडलेश्वर गोपाल दास महाराज एवं पीलिया खाल मंदिर के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज मुख्य रूप से शामिल होंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।